खबर इंदौर से आ रही है, जहां सैलून एक ऐसी जगह है जहां लोगों का जाना आम है। रोजाना सैलून पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप भी सैलून जाते हैं तो ये खबर आपको भी चौंका सकती है, क्योंकि एक सैलून में होने वाले दूल्हे के साथ ऐसी घटना हुई जिसने उसे भी हैरत में डाल दिया। बैंक कॉलोनी में रहने वाला 21 साल का कुणाल यादव वैसे तो MBA की तैयारी कर रहा है और 2 दिन बाद यानी 1 दिसंबर को UP में उसकी शादी होने वाली है। शादी के पहले जैसे दूल्हा सैलून में जाकर फेसियल, कटिंग, ब्लीचिंग कराता है, ठीक वैसे ही कुणाल एक सैलून पर गया था, मगर उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कुणाल ने बताया वह फेसियल, कटिंग आदि के लिए सैलून देख रहा था, तभी उसे सुदामा नगर के जरोलिया मार्केट में डूड एंड दिवास सैलून मिला। कुणाल ने वहां जाकर पैकेज की बात की और 3100 रुपए में बात फिक्स हुई। इसमें 2 बार फेसियल और कटिंग सहित अन्य चीजें शामिल थी। सोमवार को वह फेसियल और ब्लीचिंग के लिए गया। सोमवार को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, मगर कुणाल अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मंगलवार को कटिंग कराने पहुंचा तो उसके साथ ये घटना हो गई। कटिंग कराने के दौरान कुणाल को कर्मचारी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। उसे थोड़ी शंका भी हुई, लेकिन कुछ देर बाद उसने इतना ध्यान नहीं दिया। कटिंग कराने के बाद जब वह उठा और अपने एक रिश्तेदार को कटिंग कराने बैठा दिया, जैसे ही वह गेट तक पहुंचा और अपने गले पर हाथ लगाया तो उसे चैन नहीं मिली। वह तुरंत अंदर पहुंचा और पूछताछ और चैन तलाशी पर नहीं मिली। जब चैन नहीं मिली तो कुणाल और उसके रिश्तेदारों ने डायल 100 को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने कुणाल की भी चेकिंग की, लेकिन चैन नहीं मिली। इसके बाद जब पुलिस ने कर्मचारी दीपक जोशी की पुलिस ने कपड़े उतार कर चेकिंग की तो अंडरगारमेंट्स में चैन बाहर निकली। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और थाने ले आई। कुणाल की शिकायत पर पुलिस ने दीपक जोशी के खिलाफ कायमी कर उसे हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से चैन बरामद कर ली है। कुणाल के परिचित ने बताया कि जिसे पुलिस ने पकड़ा वह कभी अपना नाम दीपक जोशी तो कभी अपना नाम दीपक शर्मा बता रहे हैं। उसके पास से और भी कुछ सामान मिला है।